हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है? हेलो यस सर। है। तो कल हमने कंटेनर्स तक देखा था, ठीक है। तो उसके आगे हम देखते हैं। तो मैंने एक फाइल बना के रखी है यहाँ पे बूटस्ट्रैप की, उसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे ऐड की है। ओके तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ब्रेक पॉइंट। ओके, जो मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट क्या है? कस्टमाइजेबल, यानी ब्रेक पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेबल विड्थ आप दे सकते हो। ओके, यानी अक्रॉस डिवाइस, आपके अक्रॉस डिवाइस आपका कैसे दिखे। ओके, कैसे रिस्पॉन्सिव हो जाए डिवाइस के अकॉर्डिंग, आपका जो भी पेज है वो इससे आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या है, ब्रेक पॉइंट जो है इसमें सबसे पहले एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई किसी दुकान से टी शर्ट भी लेते हो तो वहाँ पे रहता है एक एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, देखा है ना साइज। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे साइजेस है। ओके, तो एक्स्ट्रा स्मॉल है, उसके बाद यहाँ पे है स्मॉल। ओके, उसके बाद है मीडियम। ओके, उसके बाद है लार्ज। ओके, और इसके बाद है एक्स्ट्रा लार्ज, और फाइनल है हमारा डबल एक्सेल। ओके, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, तो ये इतने क्लासेस हैं। ओके, ब्रेक पॉइंट्स इतने हैं, ठीक है। तो इनको हम कंटेनर्स के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कंटेनर जो है वो कैसा है, वो फिक्स्ड विड्थ के साथ आता है, मीन्स वो फिक्स्ड विड्थ आपको दिखाता है, और जो फ्लूड कंटेनर है वो आपको क्या करता है, फुल विड्थ दिखाता है, ठीक है। तो अगर आपको कंटेनर को भी दिखाना है तो, यानी आपको किसी डिवाइस के ऊपर या फिर आपको किसी पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग आपको दिखाना है कंटेनर को, तो ये क्लासेस आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ये डिफॉल्ट रहता है, यानी ये 0 पिक्सल तक, 0 पिक्सल आप इसको, इसका जो लेंथ है वो 0 पिक्सल पे आपको दिखाई देगा। ओके, 0 पिक्सल से दिखाई देगा। ओके, इसको हम मैनुअली भी देखेंगे, मीन्स प्रैक्टिकली भी हम इसको देखेंगे। देन जो स्मॉल है, ओके, और ये आपका रहेगा अप टू 576 पिक्सल तक रहेगा ये। ओके, 57 इसके अप टू यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो जो आपका स्मॉल है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो जो स्मॉल है वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, मीन्स इसके ऊपर। ओके, 567 पिक्सल से ऊपर वो रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन 576, सॉरी 576 पिक्सल, ठीक है। जो मीडियम जो है वो रहेगा आपको 768 पिक्सल के ऊपर। ओके, हम देखेंगे इसको कि ये कैसे हम देख सकते हैं, इसको हम देखेंगे भी। मैं पहले आपको इसका जो साइज है वो मैं बता देता हूँ कि ये कब कब सपोर्ट करते हैं, कैसे कैसे सपोर्ट करते हैं। तो लार्जर जो है ये करता है आई थिंक 992, ठीक है, पिक्सल के साथ ये आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, तब तक ये सपोर्ट करता है। और उसके ऊपर देन जो एक्सेल है वो 1200 पिक्सल तक सपोर्ट करता है आपको। कब तक सपोर्ट करता है? 1200 पिक्सल तक सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो आपका डबल एक्सेल है ये आपको 1400 पिक्सल तक सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इतने क्लासेस है और इतना ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, तो ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं कंटेनर, ठीक है, व्यू
कल के दोनों कंटेनर्स में यहाँ पे ले लेता हूँ पहले, तो कि जो हमारा डिफॉल्ट है वो कैसे थे। हाँ ठीक है, ये जो हमने कल देखे थे कंटेनर्स, ओके कॉपी किया इनको, ठीक है ये हमारा डिफॉल्ट पहले जो है, आप डायरेक्टली इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कंटेनर के साथ मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ क्या है, ये स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, ओके एक्सएल है, एक्सएस, ओके एक्सएस इसमें बाय डिफॉल्ट है, ओके आपने नहीं भी मेंशन किया तो इसको कंसिडर कर लेगा वो, ठीक है। देन अभी हम देखते हैं इसके साथ अलग अलग कंटेनर्स को, आपको विद के साथ में दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा एक्स्ट्रा स्मॉल, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। देन यहाँ पे अगर मुझे ये यूज करना है स्मॉल, ओके तो मैं यहाँ पे दूंगा हाइफन, देन इस क्लास का भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा, यानी एक क्लास है कंटेनर हाइफन स्मॉल, ओके ये क्लास में यहाँ पे यूज करूंगा। देन इसको मैं दे देता हूँ वार्निंग, ठीक है वार्निंग और इन्फो का ही हम कॉम्बिनेशन रखते हैं। स्मॉल कंटेनर, ठीक है तो इनको मैं पहले लिख लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि चेंजेस क्या होता है इसमें। देन मीडियम के लिए, देन लार्ज, देन एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोज मीडियम, यहाँ पे रहेगा लार्ज, यहाँ पे रहेगा एक्स्ट्रा लार्ज, और यहाँ पे रहेगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज एक्स एक्सेल, ठीक है। वार्निंग की जगह मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज लाइट नहीं दिखेगा तो इन्फो ही लेता हूँ मैं यहाँ पे, इन्फो डेंजर सक्सेस, और वार्निंग रहने देता हूँ इसको, ठीक है। ये आपका है मीडियम, ओके ये हमारा है मीडियम कंटेनर। देन यहाँ पे है हमारा लार्ज, लार्ज कंटेनर, ओके देन यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओके और यहाँ पे रहेगा आपका डबल एक्सेल, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, सेव क्या है इसको। और हम यहाँ पे चेक करते हैं इसको, तो देखो बाय डिफॉल्ट ये आपको यहाँ पे कितना फुल विड्थ दिखा रहा है, ओके यानी ये यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये डिवाइस के अकॉर्डिंग कैसे सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अभी राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखो आपको थोड़ा चेंज यहाँ पे दिखेगा। देखो कुछ चेंज दिख रहा है, एक मिनट यहाँ पे हम इनको नंबर को भी डाल देते हैं, ये कहाँ तक सपोर्ट करता है तो 1400 पिक्सल, ये कहाँ तक सपोर्ट करता है 1200 पिक्सल, और ये सपोर्ट करता है आपको 992 तक, ये 768 तक, और ये आपको सपोर्ट करता है 576 पिक्सल तक, ठीक है सेव रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ऊपर कितना है पिक्सल, कितना है देखो विड्थ दिख रहा है 1266 दिख रहा है, 1260 के आसपास, मैं जब भी एडजस्ट कर रहा हूँ तब दिख रहा है पिक्सल ऊपर दिख रहा है क्या मेरे कर्सर के ऊपर, हाँ तो देखो यहाँ पे 1200 के ऊपर है, तो ग्रीन जो है वो फुल विड्थ दिखा रहा है क्या, जैसे हमारा फ्लूइड कंटेनर फुल विड्थ दिखा रहा है।
सेकंड वाला ड्यू, ये हमारा क्या दिखा रहा है, फुल विड्थ दिखा रहा है। वैसे ग्रीन और इन ये चारों दिखा रहे क्या फुल विड्थ, जैसा मेरा 1400 वाला दिखा रहा है वैसा नहीं दिखा रहा है। अगर मैं इसको 1200 के आसपास लेके जाऊँ या फिर 1200 से कम कर दूँ थोड़ा सा, देखो 1200, 12, 1206, 1200, ठीक है। देखो जैसे मैं 1200 के नीचे चला गया, देखो ये सपोर्ट करने लग गया, दिख रहा है क्या अभी ग्रीन वाला कंटेनर फुल विड्थ के साथ हमें दिख रहा है, ओके। वैसे ही अगर मैं और उसको साइज जो है विड्थ जो है थोड़ी कम कर दूँ, हम जाते हैं इसको 1000 के नीचे जाते हैं हम लोग, ओके 1100, 1000, ठीक है। और देखो अभी यहाँ पे मैं और थोड़ा इसको कम करने वाला हूँ, तो देखो ये सपोर्ट करने लग रहा है। देखो रेड वाला लार्ज कंटेनर, इसने भी फुल विड्थ असाइन कर लिया क्या खुद को, सपोर्ट कर रहा है क्या वो, मैंने आपको जैसे बोला कि ये इतने पिक्सल तक सपोर्ट करता है, ठीक है। उसका भी विड्थ कैसा हो गया, फुल हो गया, ओके। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा मीडियम कंटेनर, तो मीडियम कंटेनर का मैक्सिमम मीन्स कब तक सपोर्ट करता है, 786 तक, ओके 768, ओके। देखो जैसे मैं 768 के नीचे गया वो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। अगर स्मॉल कंटेनर भी मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हम और उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं इसका विड्थ को, और हम कम करते हैं 576 पिक्सल तक, 590, ओके 580, 78, देखो 75, 75 पे भी देखो स्मॉल कंटेनर अभी क्या हो गया, उसका विड्थ कैसा है, फुल विड्थ हो गया। पहले ये कैसा था, फिक्स था, यानी अभी सपोर्ट कर रहा है हमें, सर ओके। तो ऐसा ये स्मॉल जब आपको यूज करना है तो ये आप ऐसे ही यूज कर सकते हो, कि ये आपको जब भी आपको किसी मोबाइल या फिर हाँ स्मॉल मोबाइल के लिए मीन्स ये जो है स्मॉल जो कंटेनर है मोबाइल के लिए आप यूज कर सकते हो, मीडियम जो है आपका टैब रहेगा उसके लिए, टैब या फिर मिनी लैपटॉप होगा उसके लिए, लार्ज भी आपका मिनी लैपटॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। और जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो आप डेस्कटॉप के लिए, यानी अभी मेरा जैसे कि 15 इंच डिस्प्ले है तो मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ओके। तो ये मेरे को सपोर्ट करेगा, ओके। देन एक्स्ट्रा लार्ज का 1400 को, ठीक है, यानी ये कितना बड़ा भी हो 1400 के पास ये दिखाएगा, आपको सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। तो कंटेनर समझ में आया आपको कि इनका मैक्सिमम विड्थ साइज क्या है, कि ये कब तक सपोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ये कितना क्लियर है क्या। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा सर हाँ, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो मैंने नेटवर्क को चेंज कर लिया है, ठीक है। तो कंटेनर समझ में आया आपको, कंटेनर के साथ आप विड्थ भी उसको प्रोवाइड कर सकते हो, कि किस विड्थ मीन्स किस हर एक डिवाइड पे आपको अगर उसको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, उसका विड्थ आप दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्लासेस है, इसका इस्तेमाल हम ये जो हमने देखे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सेल, एक्सेल, इनका हम कॉलम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ओके। जब भी आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ओके, आपका वेबसाइट जब भी आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ,
देखो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे ही इसको कम किया, ओके, इसका साइज कम हो रहा है, तो उसको देखो आप लेफ्ट साइड में क्या चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे एक बटन आ गया, चेंज हो गया, हुआ क्या चेंज, यानी जैसे ही मैं इसका साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। देखो अभी यहाँ पे आपको सर्विसेज दिख रहे हैं, तो मैं जैसे ही इसका साइज कम कर रहा हूँ, एक मिनट, इसका साइज मैं कम कर रहा हूँ, देखो आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है। यानी हर एक डिवाइस के ऊपर, मोबाइल का डिवाइस अगर मेरा इतना रहेगा, यहाँ तक मेरा मोबाइल का डिवाइस है, तो ये देखो ये एड्रेस हो रहा है, ओके। बट पेज के ऊपर ये क्या कर रहा था, एक के बाजू में दूसरा मुझे दिखा रहा था, ओके। तो मोबाइल पे मेरा ऐसा दिखेगा, टैब पे मेरा ऐसा दिखेगा, ओके, मिनी लैपटॉप पे ऐसा दिखेगा, और मेरे लैपटॉप पे ऐसा दिखेगा, और बिग स्क्रीन के भी ऐसा ही दिखेगा, ओके। यानी हर एक डिवाइस को ये सपोर्ट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव ये आपको दिखा रहा है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। समझ में आया कि क्लियर है क्या ये, ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो क्लासेस, जैसे मैंने आपको बोला कि मिनिमम मैक्सिमम जो ले है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे बोला कि हम कॉलम्स के साथ इनको मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो कॉल लार्ज मीडियम, देखे है क्या, ये हम अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आप देख लो, देन मैं इसको बंद कर दूंगा, है क्या यहाँ पे एक्सेल लार्ज लार्ज मीडियम, है ना। तो ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये कंटेनर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ओके। तो कॉलम्स हम इसमें देखते हैं अभी कि कॉलम्स हम इसके अंदर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, अभी एक व्यू लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक कंटेनर में लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर वार्निंग है ना लाइट, इस कंटेनर के अंदर मैं एक क्लास लूंगा, ओके। अभी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं रो क्लास, ओके। रो मस्ट बी प्लेस विद इन अ कंटेनर और फ्लूड कंटेनर, ये जो रो क्लास हम लेने वाले हैं, ओके, इसको हमेशा आपको क्या करना है, कंटेनर और फ्लूड कंटेनर के अंदर ही आपको इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्लास रो, यानी हम यहाँ पे रो बनाएंगे और उस रो में हमारा डेटा रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, डेटा रहेगा, यानी इसके अंदर हम कॉलम्स बनाएंगे कि एक रो में मेरे कितने कॉलम्स दिखने चाहिए। जैसे हमने टेबल्स में रो बनाया था क्या, और उसमें हम कॉलम्स बना रहे थे, बनाया था क्या हमने, यस सर, स्टूडेंट रोल नंबर नेम सिटी, ऐसे कॉलम्स हम बनाए थे। तो वैसे ही हम एक रो मैंने यहाँ पे बनाया, ओके, एक ड्यू लिया जिसको मैंने रो कंसिडर कर दिया कि ये रो है, और इसके अंदर मैं भी कॉलम्स लूंगा। तो यहाँ पे मैं फिर से ड्यू लेता हूँ, ओके, ड्यू को क्लोज कर देता हूँ, और इस ड्यू में मैं क्लास लूंगा कॉल, कॉलम्स के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कॉल, ठीक है, कॉल दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज दिस इज मेरा, ये है मेरा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कॉलम फर्स्ट, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। तो मैं ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूँ और तीन कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज पे तीन कॉलम दिखे, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहे हैं, तीन कॉलम, यानी एक कंटेनर में इसमें क्या किया, तीन कॉलम्स बना दिए यहाँ पे, ओके, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और इसको मैं कलर भी दे देता हूँ, सपोज bg-info, लाइटनिंग वार्निंग सक्सेस, कॉपी, और यहां पे दे देता हूं मैं डेंजर, सेव,
ठीक है, इनको बैकग्राउंड मैंने दे दिया कि आपको समझ में आए। देखो एक कॉलम का विड्थ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। तो यहाँ पे अभी बूटस्ट्रैप ने क्या किया है कि बूटस्ट्रैप आपको एक रो में मीन्स अक्रॉस द पेज आपको 12 कॉलम्स बनाने की मीन्स हम बना सकते हैं। परमिशन कितना देता है वो, 12 कॉलम्स आप बना सकते हैं, ओके। 12 कॉलम्स हम बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉलम्स बनाए, ओके, ये 3 हो गए। तो ऐसे ही मैं कितनी बार कर सकता हूँ, अगर मैं इनको कॉल करूँ, एक मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ओके। तो जैसे हमने सीएसएस में ग्रीडिंग सिस्टम देखा था, ग्रिड देखा था क्या? सर हाँ, तो हम धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। तो देखो कॉलम्स हम पहले देखेंगे, तो कॉलम्स हम में कितने बना सकते हैं, 12 कॉलम्स आप एक रो में बना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। तो ये आपको 12 कॉलम्स बनाने के लिए अलाउ करता है, ओके, बूटस्ट्रैप एक कंटेंट में, एक रो में। देखो तो यहाँ पे ये आपके कॉलम्स बन गए, बट इतने हम 12 कभी नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा डेटा हम थोड़े नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे बनाते हैं। एक तो मैं ऐसे जैसे हमारा ऊपर है, 3 कॉलम्स मैंने बनाए हैं, तो मेरे तो एक तो 3 कॉलम्स रहेंगे या फिर 2 ही कॉलम्स रहेंगे, ओके। तो 2 कॉलम्स के लिए मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर देखो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 12 से लेकर 9 तक मेरा थर्ड कॉलम है, यानी चार चार का एक कॉलम मुझे दिख रहा है कि चार चार कॉलम्स का एक कॉलम यहाँ पे है। तो ऐसे मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, तो इसके साथ मुझे उसका साइज मुझे देना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पे क्या है कि चौथा एक क्या रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चार चार कॉलम्स का एक एक हमें मिल रहा है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लास्ट वाला सेव, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि चार 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 कॉलम का आपका एक कॉलम बना है, जब आपने डिफॉल्ट कॉलम बनाया है तो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे और भी कॉलम बनाते हो तो वो डिवाइड होते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक कॉलम डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तीन तीन का एक कॉलम आपको दिखाएगा, ठीक है। तीन तीन का क्या करेगा, फिर वो एक कॉलम यहाँ पे एडजस्ट करेगा। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे ये जो पहला कॉलम है मुझे 2 ही कॉलम दिखाने, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो और दूसरे कॉलम में मेरा लॉग इन का फॉर्म हो, ओके, उस वैसा मुझे अगर दिखाना है, तो सपोज मुझे एक कॉलम जो है वो 8 कॉलम का होना चाहिए, ओके, और दूसरा 4 कॉलम का होना चाहिए, ओके। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसके जगह हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ इस कंटेनर को, ठीक है। इसको पेस्ट किया और यहाँ पे बीजी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम बैकग्राउंड दे रहे हैं इसको, ओके। यहाँ पे मुझे 2 ही कॉलम दिखाने हैं, बट कैसे दिखाने हैं, एक कॉलम का साइज कितना हो, 8 हो, तो मैं यहाँ पे -8 या फिर 9, मुझे 9 चाहिए तो मैं 9 दूंगा। देन दूसरे का कितना हो, रिमेनिंग 3, ये 12 हो गया, ओके। यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन दिखानी है और यहाँ पे मुझे मेरा लॉग इन का फॉर्म दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है आपको, 9 कॉलम तक दिख रहा है क्या ये? मैंने जैसे ही नो यहाँ पे वैल्यू दी उसके पास /9, तो देखो ये कहाँ तक आपको दिखा रहा है, इसका हाई विर्थ आपको कहाँ तक दिखा रहा है, कॉलम 9 तक सर इसका विर्थ आपको दिखा रहा है, और रिमेनिंग 3 हमने सेकंड कॉलम को दे दिए कि यहाँ पे आप ये दिखाओ, ओके। तो ऐसे भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन दिखाओ, यहाँ पे आप फॉर्म दिखाना चाहते हो तो फॉर्म दिखाओ, यानी इसका यूज करके आप कहीं पे भी किसी भी सेक्शन में, यानी आपको ऐसे सेंटर में लेके जाना है आपको तो सेंटर में आप ऐसे डिव मैनेज करके, यानी ऐसे कॉलम मैनेज करके भी आप फॉर्म दिखा सकते हो, ठीक है। अभी हम देखो इसके अंदर फॉर्म डालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ कुछ भी इन्फो इन्फो, और इसको कर देता हूँ मैं सपोज
इनको हटाई देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी इस में डालूंगा मैं एक फॉर्म, ठीक है। तो हम जाएंगे अभी फिर से गेट बूटस्ट्रैप साइट पे, getbootstrap.com। और यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्स में, डॉक्स में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्म्स में, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लेआउट लेना है, एक फॉर्म्स मुझे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, ओके, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी, ओके। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं कस्टमाइज कर लूँगा मेरे फॉर्म साइट के हिसाब से। आपको जितना आपको डेटा दिखाना है दिखाओ, आपको लेबल दिखाना है तो दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखा तो भी चलेगा, ओके। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लेस होल्डर में सपोज यूजर नेम, ओके। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया मैंने, खाली क्या चेंज किया वहां पे, तो लेबल को ही और प्लेस होल्डर को ही हम चेंज करेंगे हर बार। तो यहाँ पे लेबल अगर आपको देना है तो दे दो, क्योंकि हमारे पास प्लेस होल्डर भी है, एक काम करता हूँ मैं इसको और थोड़ा, ठीक है। ये इसके अंदर है इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा है, ये सब कुछ इसके अंदर है, इस व्यू के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे मुझे एक बटन भी दिखाना है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लेबल की मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे लगेगा बटन, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको सबमिट। और यहाँ पे देखो फॉर्म कंट्रोल नाम का क्लास है जो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइल प्रोवाइड कर रहा है आपके इनपुट फील्ड को। और बटन के लिए हमने कल देखा था इनपुट कौन से क्लास है, बटन नाम का एक क्लास है, उसके बाद बटन आपको कौन से कलर का चाहिए, कैसा चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आउट लाइन हाइफन, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सबको सक्सेस या फिर प्राइमरी, ठीक है। सेव, और हम इसको चेक करते हैं कि कैसे दिख रहा है हमारे साइट पे। तो देखो अभी ऐसे समझ में आ रहा है क्या, ये मैंने आपको कॉलम्स का जो बैकग्राउंड था वो हटा दिया, बट अभी आपको ऐसा समझ में आ रहा है क्या कि ये यहाँ पे कैसे दिख रहा है, पर्टिकुलर पोजीशंस पे कैसे दिख रहा है। अभी समझ में आया क्या कि आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशंस पे कोई भी फॉर्म दिखा सकते हो इसका इस्तेमाल करके, कॉलम का इस्तेमाल करके। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि ऊपर से जा रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या? फिर से बताओ। हाँ फिर से बताओ ये फॉर्म ठीक है, कौन सा का। फॉर्म का ना, ठीक है, यूजर नेम, ओके। लेबल को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, पासवर्ड, ठीक है, सेव। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये हमारा पहले, इसको कट कर लेता हूँ मैं, कट, ओके। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो कलर्स दिए थे मैंने यहाँ पे, ठीक है, बीजी इन्फो, ओके। और यहाँ पे था बीजी सपोज कोई भी वो आने, या फिर लाइट ले लेता हूँ लाइट, ओके। ऐसे दो मेरे क्या थे, कॉलम्स थे। बट मुझे क्या करना था कि यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी है, और यहाँ पे मुझे मेरा लॉगिन पे फॉर्म दिखाना है। यानी मैंने आपको यही बताया कि आपको किसी भी पोर्शन पे अगर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाना है, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में दिखा रहा हूँ, आपको लेफ्ट साइड में दिखाना है यहाँ पे आप दिखा सकते हो, सेंटर में दिखाना है सेंटर में आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो कल जब मैंने यहाँ पे फॉर्म डाला था, यही से कॉपी किया था मैंने, आई थिंक फॉर्म से ही, ओके, यही से कॉपी किया था ना मैंने। तो वो क्या कर रहा था, पूरा का पूरा विड्थ 100% विड्थ वो ले रहा था, यानी 100% आपको यहाँ पे दिखा रहा था। बट जब भी आप उसको किसी कॉलम्स के अंदर डालेंगे तो कॉलम्स का जितना विड्थ है, जैसे कि तीन कॉलम का मेरा एक कॉलम है यहाँ पे, तो उसके अंदर ही
इसको हम दिखाएंगे, ओके वो दिखेगा आपको। तो ये देखो, ये जो फॉर्म है, ओके लॉग इन फॉर्म, इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमाइज किया उसको कि यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर नेम, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने यूजर नेम, यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड और यहाँ पे भी डाल दिया पासवर्ड। ओके इसको कॉपी किया था मैंने आपके सामने, इसको कॉपी किया और उसको खाली क्या किया था मैंने, इस ट्यूब के अंदर उसको पेस्ट किया था, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद ये चेंजेस मैंने यहाँ पे किए थे, यूजर नेम डाला, और इसी को कॉपी करके मुझे एक बटन दिखाना था, तो इसलिए मैंने इसको कॉपी करके लेबल को हटा दिया और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट डाला और क्लास लिया, जो मुझे चाहिए वो क्लास मैंने यहाँ पे दे दिया बटन का, जो हमने कल देखे थे। हमने बहुत सारे क्लासेस कल देखे थे बटन के लिए, ठीक है, उसमें से ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो देखो अभी यहाँ पे कोई आपका टेक्स्ट आपको अगर दिखाना है या फिर कोई इमेज दिखानी है तो दिखा सकते हो, और यहाँ पे आपका लॉगिन फॉर्म है। गजानन अभी क्लियर है क्या? गजानन अक्षय, तो यही बोल रहा हूँ मैं कि इसका हाइट और विड्थ आपके पास है, कि आपको कितना करना है। अगर मुझे इसका देखो, ये मुझे पहले चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको जो है 9th को मैं कट कम कर लूंगा, इसको कट करता हूँ और इसके बाद में डालता हूँ, इस ट्यूब के बाद में डालूंगा मैं इसको, ठीक है। यानी ये क्या यहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा अभी आपको। देखो सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो अपोजिट हो गया क्या, यहाँ पे मेरा लॉग इन फॉर्म और यहाँ पे मेरा इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना है, जो भी आपको दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कहाँ से कॉलम्स के इस्तेमाल करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसका आप कैसे भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमने ऊपर देखा था उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे लार्ज लेना है तो मैं लार्ज ले लूंगा, क्लासेस जो मैंने हमने देखे थे, ब्रेक पॉइंट्स जो हमने देखे थे, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे सब कुछ ले लेता हूँ कि मीडियम ले लेता हूँ, एमडी, ओके एमडी कॉमा एमडी हाइफन ओके 9। तो देखो ये हमारे क्या हो गए, कॉलम्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे एमडी भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल एमडी, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये जो भी आपको इस्तेमाल करना है आप ऐसा यहाँ पे कर सकते हो। ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम हो गया अभी, ओके ये हो गया आपका ग्रीडिंग सिस्टम, जो अभी हमने इसमें भी देखा था हमारे सी एस एस के लेआउट में हमने देखा था क्या, ऐसा चेक किया था क्या किसी का, हमने वहाँ पे स्पैनिंग दिया था क्या, हमने याद आ रहा है क्या स्पैनिंग? तो यहाँ पे मुझे स्पैनिंग की जरूरत पड़ रही क्या, यहाँ पे नीचे मैं डायरेक्टली जी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कितना मुझे चाहिए, है ना। सर, अभी मैंने ये कंटेनर में दिया है, इस वजह से आपको फिक्स विड्थ में दिख रहा है। अगर मैं इसको फ्लूड कंटेनर में दिखा दूं तो ये फुल विड्थ ले लेगा, ओके। तो मैंने फुल नहीं लिया, मैंने कंटेनर में लिया है, ठीक है। इस पे हम इसको करते हैं, तो देखो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसका विड्थ कम कर रहा हूँ तो ये एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। देखो बट हमारा जो नीचे का है वो एडजस्ट हो रहा है क्या? नहीं, जो हमने यहाँ पे डाला है वो एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये देखो, ये लॉगिन फॉर्म उसने दिखाना चाहिए था ना, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आना चाहिए था और ये इन्फो नीचे जाना चाहिए था, तो वो हमारा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस ड्यू में रो भी तो इस्तेमाल किया है हमने, एक मिनट, लाइट डू, इसको कट करता हूं मैं, ये हमारा ड्यू है, सेव। हम्म,
और अगर इसमें भी कुछ डाल दूँ मैं, इसके अंदर भी मैं फॉर्म डाल देता हूँ कोई तो कॉपी करके, सपोज फॉर्म कंट्रोल, ये वाला फॉर्म कॉपी करता हूँ और वो हम डाल देते हैं हमारे ये जो इन्फो वाला डिव है इसके अंदर हम वो डाल देते हैं। ठीक है, सेव, रिफ्रेश। तो देखो अभी एड्रेस हो रहा है क्या? हेलो, आई थिंक मैंने तब रिफ्रेश नहीं किया होगा, एमडी लगाने के बाद, एमडी जो मैंने लगाया था तब मैंने रिफ्रेश नहीं किया होगा, इस वजह से वो एड्रेस नहीं हो रहा था। बट देखो ये अभी क्या हो रहा है, एड्रेस हो रहा है। जैसे मैंने आपको रिस्पॉन्सिव दिखाया था, रिस्पॉन्सिवनेस दिखाया था कि वो क्या होता है, खुद से एडजस्ट कर लेता है। तो ये देखो इसने एडजस्ट कर लिया क्या, क्योंकि मैंने मीडियम दिया है तो मीडियम के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। ओके, लार्ज में आपको ये दिखा रहा है। देखो अभी जब भी मैं इसका साइज कम कर देता हूँ तो ये क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। मीडियम का साइज हमने क्या देखा था, कितने पिक्सल के बाद आता है मीडियम, कहाँ से सपोर्ट करता है मीडियम, कहाँ तक करता है, सिक्स सेवन सेवन कितना है हमारा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, तो जैसे ही ये इस पिक्सेल के नीचे जाता है, ओके देखो यहाँ तक तो सपोर्ट कर रहा है, बट जैसे ही उससे कम होता है, ओके तो देखो ये एडजस्ट कर लेता है खुद से, खुद से वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो ऐसे आप एक क्लास के साथ दूसरा क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट ओपन करके वहां पे लार्ज और मीडियम दोनों क्लासेस थे मैंने दिखाए थे क्या आपको, कॉल करके, एक मिनट में फिर से दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। हेलो सर।
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर, अभी आ रहा है मुझे। हाँ तो मैंने पहले जो दिखाया बोला मैं सुनाई नहीं दिया क्या आपको? सर, ओके, नहीं सर। मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये यहाँ तक तो सुनाई दिया ना, मैं यहाँ पे बोल रहा था वो। हाँ सर, हाँ, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप ये कप सपोर्ट करता है उसके साइज के ऊपर सपोर्ट करता है, जैसे हमने यहाँ पे MD लिया है, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो। जैसे मैंने आपको दो साइड यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो दो क्लास, लार्ज और मीडियम, दोनों को साथ साथ इस्तेमाल किया है। ओके, वैसे ही मैंने और एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन की है, उसके अंदर भी यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा स्मॉल, एक मिनट, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल, ऐसे दो क्लासेस इन लोगों ने इस्तेमाल किए साथ साथ। ओके, तो आप ऐसे दो क्लास एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? ऐसे आप क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी मैं बोल रहा था कि ऐसा भी अगर आपको लेआउट बनाना है कि इस साइड में मेरा इमेज रहे और इस साइड में मेरा क्या रहे, इंफॉर्मेशन रहे, तो वो भी आप कर सकते हो। इस साइड में मेरा डेटा रहे और इस साइड में मेरा इमेज रहे, तो वो भी आप ऐसे इस कॉलम्स से, मीन्स इस ग्रेडिंग सिस्टम से आप कर सकते हो। जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है कि यहाँ पे मेरा एक फॉर्म है और यहाँ पे मेरा लॉग इन फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे आप इमेज दे दो या फिर इंफॉर्मेशन दे दो। मैं कब से इसको इंफॉर्मेशन बोल रहा था, यहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो। जैसे यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे इमेज है। ओके, तो ऐसा मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि आप यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे दो या फिर अबाउट अस लिख दो और यहाँ पे आप लॉग इन फॉर्म दे दो, ऐसा भी आप दिखा सकते हो। क्लियर है? Yes, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉलम्स का। देन अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, मैं ये ऊपर वाले तीन जो कॉलम है इनको मैं फिर से लेता हूँ और इनको हम वर्टिकल अलाइनमेंट हम इनको देंगे, ठीक है? ठीक है, क्या करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट हम इनको देंगे, ठीक है? तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं जो एग्जाम्पल के लिए आपको लिया था बताने के लिए उस फॉर्म को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ खाली इन्फो। ठीक है, सेव, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं खाली इन्फो आ रहा है या नहीं। ठीक है, इन्फो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फॉर्म है, ठीक है? तो ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर होगा ये, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, ये किसका है एंडिंग, इसका एंड हो गया है, रॉ का यहाँ पे एंड हुआ, कंटेनर यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है? तो इसके बाद ये वाला, ठीक है? तो अभी हम देखने वाले हैं क्या कि हमने विड्थ का देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि हॉरिजेंटल हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सॉरी, हॉरिजेंटल, वर्टिकल हम इसको कैसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास है अलाइन आइटम स्टार्ट। ओके, यहाँ पे मैं दूंगा, एक काम करता हूँ, रिफ्रेश आपको दिखा देता हूँ, पहले उसका सबसे पहले उसका डिफॉल्ट देखो क्या है। ओके, ये ड्यू है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो ड्यू है इसके अंदर मुझे, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ऑनलाइन हाइफन आइटम्स हाइफन स्टार्ट। ओके, ये स्टार्ट नाम का क्लास है, इससे क्या होगा कि आपका जो ये तीनों कॉलम्स है ये आपको
टॉप की तरफ दिखेंगे, यानी ऊपर की तरफ दिखेंगे। अभी यहाँ पे आई थिंक विड्थ उसका उतना नहीं है, तो ये इतना नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक रो और ले लेता हूँ जिसमें कुछ, तो टेक्स्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, ये फॉर्म इतना डाल देता हूँ कॉपी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो मैंने क्या किया, इनका ही कॉपी किया है और खाली इसमें से ये जो फील्ड्स है इनको कॉपी करके यहाँ पे डाला है। क्योंकि मुझे क्या दिखाना था कि देखो यहाँ पे आपको टॉप साइड पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे, क्योंकि हमने क्या यूज किया यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, इस वजह से। अगर मुझे ये सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे मैं खाली दूंगा सेंटर टाइप, ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा खाली सेंटर, ओके। हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो क्या हुआ, देखो सेंटर में आए क्या, ये इस ड्यू के सेंटर में आ गए क्या, तीनों के तीनों सेंटर में आए क्या। हेलो यस सर। ठीक है, ये सेंटर में आ गए। देन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये जो है ड्यू ड्यू के एंड में दिखे, यानी यहाँ पे दिखे बॉटम में दिखे, तो यहाँ पे हमने जैसे स्टार्ट दिया था, स्टार्ट सेंटर, इसके जगह हमें देना पड़ेगा एंड, ओके। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एंड, तो ये क्या करेगा नीचे हमें दिखाएगा एंड। सेव किया मैंने इसको और देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ये एंड में चला गया क्या, बॉटम में चला गया क्या, ये जो आपके क्लासेस है। ऐसे आप वर्टिकली उसको अलाइन कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट देते हो तो वो क्या करेगा सबसे ऊपर रखेगा, सेंटर देते हो तो मीडियम उसके सेंटर में रखेगा, और एंड देते हो तो बॉटम में रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप, हमने क्या देखा था, सेंटर भी देखा था। तो कॉपी सेंटर, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, यानी हर एक को आप ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, मींस आप कॉलम्स को भी वैसा दे सकते हो। ये जो क्लास है आप कॉलम्स को भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये हमने रो को दिया है डायरेक्टली, किसको दिया है, रो को दिया है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, ये इसके बाद आया था ना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अलाइन कॉपी, जो मेरा पहला डिव है इसके अंदर, तो कौन सा है, ये वाला डिव है, वार्निंग वाला पहला डिव है, ठीक है। ये ड्यू और ये आपका वार्निंग का ड्यू एंड, ओके। तो इसमें जो आईडी है, इसको बहुत बड़ा नाम है, इनको हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये आपका वार्निंग का ड्यू हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये मुझे चाहिए कि ये टॉप की तरफ हो, यानी ऊपर की तरफ हो। अभी ये आपको एज इट इज दिखेगा क्योंकि हमारा जो रो है, यानी हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे ड्यू में उतना डेटा नहीं है, उस वजह से वो एज इट इज दिखेगा आपको। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरों को देखेंगे, इन दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे अलाइन सेल्फ, ओके, यहाँ पे मैं दूंगा अलाइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ, ओके, और यहाँ पे दूंगा मैं स्टार्ट, यानी ये टॉप की तरफ दिखे। तो इसके लिए क्लास है सेल्फ, ओके। ड्यू को अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो ऐसे, ठीक है। सेल्फ लिया, देन इसको मैं देता हूँ सेंटर में, ये जो है वो सेंटर में दिखे, सेंटर, और उसके बाद
कंट्रोल कोट्स। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वो बॉटम की तरफ दिखे, तो इसको मैं दे देता हूँ एंड, ठीक है सेव। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखो दिख रहा है क्या आपको? अभी ये मैंने जैसे बोला था कि ये स्टार्ट की तरफ है, तो इसलिए वजह से दिख नहीं रहा है। ओके एक मिनट, कमेंट यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। देखो ये टॉप की तरफ है, तो इसमें डेटा ही इतना है, इसके वजह से हम इस 2 और 3 को देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना विड्थ हमने नहीं दिया था इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ गया और ये बॉटम में चला गया, यानी स्टेप्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अब पहला आपका कॉलम, ये दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ऐसे आप ऐसे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या ये? सर वर्टिकल आप कैसे, 2 क्लासेस हमने देखे, अलाइन आइटम स्टार्ट, ओके वैसे हमने यहाँ पे देखा अलाइन आइटम सेंटर स्टार्ट और एंड, 3 क्लास हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। सेव करता हूँ मैं और हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है सेव किया इसको। ग्रीडिंग समझ में आया ना आपको? ये हमारा ग्रिड सिस्टम है जो मैंने यहाँ पे दिया था ऊपर, ये आप ग्रिड ऐसे देते हो यहाँ पे MD लार्ज जो भी कॉलम्स है वो, ठीक है। चलो इसका आप प्रैक्टिस करना, ठीक है।